வெஷ்ணாம் சஜ்ஜனம் மாத்திருக்கீங்களா? ஆப்லோ கிருபா கரே ஜோ कोई विषय में योग्यता है नहीं, परंतु भगवान की कृपा, गुरु वैष्णव की कृपा संभल करके मैं 70 वर्ष आयु में न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका सुधर गए थे भगवान की प्रेरणा। हमारा गुरु महाराज जो कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की बहुत ही इच्छा थी कि पाश्चात्य देश में श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी अच्छी तरह से प्रचार हो। इस विषय में उनका प्रयत्न तो गंभीर था और हमारे गुरु भाई लोग भी प्रयत्न कर रहे थे, परंतु विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए 70 वर्ष उम्र में ही वृंदावन में आप लोग का चरण तल में राधा दामोदर में मैं ठहरता थो और भगवान की प्रेरणा से मैं अमेरिका में जाने का विचार किया और उधर जाने के पहले भगवान की कृपा से भागवत का उपहार अंग्रेजी टिप्पणी लिखने का शुरू की। यही राधा दामोदर टेम्पल में मैं बैठ बैठ के लिखता था और दिल्ली में जाकर के उसको छपाता था। इसी प्रकार जब तीन ग्रंथ तीन भाग भागवत की प्रस्तुत हो गया 1965, उस समय मैं बहुत मुश्किल से अमेरिका में गए। इधर पासपोर्ट लेने में और पी फॉर्म पास कराने में बहुत दिक्कत, सब कुछ बंदोबस्त करने के बाद जब आखिरी पी फॉर्म लेने को मैं गया बंबई में, तो उधर जो ऑफिसर मिस्टर चक्रवर्ती वो बताया जाओ, महाराज आप नहीं जा सकते, क्या बात है ना, आपको कोई संस्था निमंत्रण नहीं किया है, आप कोई व्यक्तिगत भद्र महिला का निमंत्रण से जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट आपको जाने को नहीं। तो मैं उससे निवेदन किया आप कृपा करके आपका जो प्रधान है उनको पास हमको भेज दीजिए, मैं थोड़ा उनको समझाऊं। तो उस समय फॉरेन एक्सचेंज का चीफ कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मिस्टर राव थे, उनका पूरा नाम अभी याद नहीं है। फिर उनका सेक्रेटरी के पास जाकर के मैं बोला जा हमारा फाइल बहुत दिन से इधर पड़ी है, आप कृपा करके साहब का पास उसको दीजिए, मैं मुलाकात करना चाह। तो सेक्रेटरी बिचारी उसी वक्त फाइल निकाल करके राव साहब का पहुंचा दिया और हमको बोला आप थोड़ा बैठिए। तो मैं तो बैठा ही था, भगवान के इसी कृपा कि राव साहब खुद ही निकल आए और कहते स्वामी जी आपका हम पास कर दीजिए, आप चिंता न कीजिए। तो
ये भी एक भगवान की कृपा है। फिर स्किंदिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का जो प्रोप्राइटर मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती सुमती बाई, उनसे प्रार्थना की तो वो अपना जो खास कमरा जहाज में होता है, पहले जहाज में ही गया, पैसा तो नहीं था एरोप्लेन जाने के लिए, तो वो एक रिटर्न टिकट हमको दे दिया फ्री, और कैप्टन को विशेष करके कह दिया कि स्वामी जी का सब विषय देखना। तो कैप्टन बिचारी मिस्टर पांड्या बहुत ही जत्न करके, विशेष करके उनकी जो पत्नी बहुत हमको श्रद्धा से सेवा की थी जहाज में, उसमें भी बहुत तकलीफ हुआ। दो दिन तो मर जाने का ऐसे ही हिसाब हुआ। फिर भगवान की कृपा से जैसे मालूम हुआ कि भगवान श्याम कृष्ण जहाज तो चला रहे हैं और हमको जरूर पहुंचा देंगे, तो किस प्रेरणा से मैं उधर गया था उसका थोड़ा इतिहास संक्षेप में आपको बता रहा हूं। 1922 उस समय कोलकाता में एक भारी केमिकल लैबोरेटरी में मैं मैनेजर था। हमारा उस समय उम्र था ज्यादा से ज्यादा 24-25 नौजवान, तो हमारे एक मित्र हमको बताया, देखो जी इधर एक गौड़ी मठ खुला है, सुनता है जी वो लोग बड़े बड़े सब वैष्णव साधु उधर होते हैं, तो आप चलिए हमारे। तो हमारा उस समय यौवन था, विशेष करके कांग्रेस का भक्त था, हमने उनको, हमारा जन्म हुआ था वैष्णव फैमिली, हमारा पिताजी ही परम वैष्णव, तो शुरू से हमारा वैष्णव कल्चर ही था, परंतु जैसा आजकल का लिखा पढ़ी सीखने से ज्यादातर भगवत विदेशी हो जाते हैं, निराकारवादी, मैं भी थोड़ा दिन के लिए ऐसी हो गया। फिर जाकर के वो हमारा मित्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद से मुलाकात कराया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पा मुझे देखते हुए यही बात है, देखो जी आप लोग ऐसे परे सुने नौजवान हैं, आप चैतन्य महापुरुष का विचार पाश्चात्य देश में क्यों न प्रचार कर, इसका ऊपर हमारा उनसे तकरार बातचीत हुई। उस समय हम उनको जवाब दिया जो आप, हम लोग पराधीन देश है, हमारा बात कौन सुने। तो गुरु महाराज उस समय पहली मुलाकात, उस समय गुरु महाराज जो वास्तविक संपर्क नहीं हुआ था परंतु गुरु ही तो थे, उन्होंने हमको तर्क करके खूब अच्छी तरह से समझा दिया, मैं हर भी गया। तो क्या जाने उनकी कृपा, पहले ही उनकी यही वचन था जो आप जाकर के प्रदेश में ये चैतन्य महाप्रभु का विचार भक्ति ज्ञान इसको प्रचार की। फिर उनको आखिरी में 1936 में मुझे एक पत्र लिखा उनका अंतर्ध्यान होने का 15 दिन पहले, जो देखो जी तुम अंग्रेजी में प्रचार करो, इसमें तुम्हारा मंगल होगा और जगत का मंगल। इसी प्रकार प्रेरणा उनसे सब समय मिलती रही थी, ताकि अपनी अयोग्यता का कारण वो 1922 से फिर 1965 था हमको खाली आयोजन ही करने पड़ा, मौका नहीं मिलता इसी कारण। फिर भगवान की कृपा से
गुरु महाराज की आज्ञा को अवलंबन करके न्यूयॉर्क पहुंचा और उधर जैसा बताया कि हमारा पास केवल 40 रुपया था, 50 नहीं 40 रुपया, और न्यूयॉर्क में कि 2-10 डॉलर खर्च करना घंटा दो घंटे का बात है, और डॉलर का हिसाब है 2 डॉलर हुआ तो समझ लीजिए आजकल के हिसाब से 20 रुपया, तो विशेष कोई सहाय नहीं था, परंतु भगवान की कृपा से उधर एक ही आगरा के ही हमारे एक मित्र उनको लड़का था बटला शहर में, वो आकर के हमको ले गया, 10-15 रोज उनका घर में रहा। वो अंग्रेज लड़की को शादी की थी और बहुत सज्जन, फिर उसका बाद मैं न्यूयॉर्क में आया, न्यूयॉर्क में एक कमरा लिया था, पैसा नहीं था, किताब किताब बेच करके कहीं तरह से चला रहा था, वो भी सब चोरी हो गया, हमारा टाइप राइटर टेप रिकॉर्डर कुछ किताब ये सब चोरी हो गई, न्यूयॉर्क में भी चोरी होता यानी चोर सब जगह में होता तो बिल्कुल हमारा सब चीज चोरी हो। फिर हमारा एक सेवक था वो हमको ले गया अपना घर में, उधर कुछ दिन रहा। इसी प्रकार एक बरस तक हमको बहुत तकलीफ उठाने पड़ा, कभी इधर कभी उधर, कोई ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, पैसा भी कुछ नहीं, कुछ किताब ले गया था हमारा श्रीमद भागवत, फिर जाकर के 200 डॉलर हमारे पास होने से हम एक दुकान घर किराया लिया, उधर स्टोर फ्रंट बोलता है, तो दुकान घर में रोजाना मीटिंग शुरू किया, 3-4-5 यही बालक लोकसभा आते थे, बुढ़े कोई नहीं, उधर बालक लोग नौजवान बड़ा उत्सुक है, वो लोग कुछ चाहते हैं, उनका पिता माता का सुख देख करके उनको निश्चित हो गया जिसमें सुख कुछ है नहीं। इसलिए आप लोग जानते हैं कि अमेरिका में बहुत से टीपी हो गए, उसमें बड़े बड़े घर के लेके हैं, पैसा पैसा वाला घर के लेके हैं, बाकी वो चाहते नहीं उस प्रकार